ये मार्क्यू का टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है जिसका कैपेसिटी है 7 kg, 7 kg का ये मशीन है हमारा। और इस मशीन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर फंक्शन क्या क्या दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इसका कंट्रोल पैनल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, वाटर लेवल दिया हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके बाद स्टार्ट और पॉज की है, और इसके बाद यहाँ पे पावर बटन है। तो अभी मैंने प्लग लगा दिया है मशीन का, मैं इसको ऑन करूँगा। तो जब मैं पावर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो लाइट देख रहे हैं डॉट डॉट से आ रहे हैं दो, ये ऑन हो गई है मशीन। इसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे इसमें जैसे हमारे कपड़ों के हिसाब से हमें इसको चला, जिसमें 4 इधर लिखे हैं और 4 इधर लिखे हुए हैं। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ लाइट एंड फ्लैश। अगर लाइट स्टेबल है तो ये फंक्शन चलेंगे, और अगर लाइट फ्लैश हो रही है तो ये फंक्शन चलेंगे। तो मैं इसका एक बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बटन प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल लाइट है वो स्टेबल है, यानी कि वो ब्लिंक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल वॉश है। तो इस नॉर्मल वॉश में क्या होगा, 52 मिनट्स का टाइमिंग ऑटोमेटिकली आ गया और मुझे सिर्फ स्टार्ट बटन प्रेस करना है। तो नॉर्मल वॉश में क्या क्या आएगा, जो डेली रूटीन में हम कपड़ों को बदलते हैं उनको हमें धोना है। नॉर्मल का मतलब हो गया जो हम रोजमर्रा के कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं और उसको हम धोना चाहते हैं। इस वॉशिंग मशीन में फुली ऑटोमेटिक में फायदा है कि आपको सिर्फ फंक्शन को कपड़ों के हिसाब से लगाना होता है और स्टार्ट करना होता है। ये वॉशिंग मशीन वॉश करेगी, रिंस करेगी और स्पिन करेगी, यानी कि इसके अंदर तीनों चीजें एक ही टब के अंदर होंगी। तो इसमें हमें सिर्फ पहले ये सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा मेथड हम यूज करें, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अगले फंक्शन पे चलते हैं। इस प्रोसेस को मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, ये देखिए लाइट आ गया जो कि ब्लिंक नहीं कर रहा है, लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा तो मिक्स की तरफ आ गया। मिक्स में 49 मिनट्स शो कर रहा है, ये मिनिमम टाइमिंग होता है, कम से कम टाइमिंग। इसमें भी तीनों चीजें होंगी, वॉश, रिंस और स्पिन। मिक्स में सारे कपड़े हो सकते हैं जो आपने अलग अलग तरह के कपड़े होंगे, जैसे मान लीजिए घर में जेंट्स के होते हैं, लेडीज के, बच्चे के, या कुछ अलग अलग, मतलब एक तरह से कपड़े नहीं होते, सब मिक्स होते हैं, जिसमें टॉवल भी आ सकती है। उस तरीके के कपड़ों को धोना हो तो यहाँ पे मिक्स वाला आएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे फिर से प्रोग्राम को, ये आ गया स्ट्रांग पे। स्ट्रांग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बड़ा कपड़ा धोते हैं, जैसे मान लीजिए चादर वगैरह आप धो रहे हैं या कर्टन्स वगैरह धो रहे हैं, कभी कभी टॉवल्स भी बहुत बड़ा रहता है, उसको भी अगर हम धोते हैं तो वो भी स्ट्रांग कैटेगरी में आता है। स्ट्रांग का मतलब हो गया भारी कपड़ा, जो हैवी क्लोथ होता है उसको धोने के लिए स्पेशली स्ट्रांग आएगा। तो उसमें हम स्ट्रांग टाइप के कैटेगरी के कपड़ों को यूज करेंगे धोने के लिए। इसमें भी आप देखेंगे कि अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि वॉश होगा, रिंस होगा और स्पिन होगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सोक का लाइट भी ऑन हो गया है। तो यानी कि ये मशीन जो है इसमें 10 मिनट का सोक भी होगा, इंक्लूड है इसके अंदर, इसमें आपको इंक्लूड कर दिया गया है, इसमें आपको ऐड नहीं करना है, स्ट्रांग में ऑटोमेटिकली आएगा है। तो यहाँ पर देखिए सोक का लाइट भी ऑन हो गया, फिर मुझे स्टार्ट दबाना चाहिए अगर मुझे स्ट्रांग वाला फंक्शन को चलाना होगा। फिर मैं दबा रहा हूँ एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने और भी मशीनों में देखा होगा, उसमें क्विक वॉश भी लिखा होता है, किसी में रैपिड वॉश भी लिखा होता है, और यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेस वॉश। एक्सप्रेस का मतलब हो गया कि आपके पास कपड़े जो हैं वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा का मतलब अगर मान लीजिए 7 kg का मशीन है तो आपके पास 2 kg कपड़ा है वो, और वो ज्यादा देर यूज भी नहीं किया हमने 1-2 घंटे के लिए यूज किया था, और उसमें सिर्फ पसीने का स्मेल है। तो इस तरीके के कपड़ों को धोने के लिए आपको एक्सप्रेस वॉश लगा सकते हैं, ये ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस वॉश सिर्फ उन्हीं कपड़ों के लिए है जो हमने 1-2 घंटे इस्तेमाल किए हैं और हमें उसको धोना है, जिसमें पसीने का स्मेल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेस के बाद हम फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए जीन्स पे आ गया। जीन्स का मतलब ये हो गया कि आपके जीन्स वाली, जैसे हमने देखा होगा जीन्स वगैरह पहनते हैं हम लोग, वो भी एक कपड़ा हैवी क्लोथ्स में आता है, भारी कपड़ा होता है, और उसके अंदर मेटल पार्ट्स भी देखे होंगे आपने, उसको सेपरेट डालना चाहिए, उसके जो
जिप्स वगैरह होती है वो लोहे की रहती है, उसके बकल्स भी लोहे के रहते हैं, तो अगर हमने उसके साथ कोई नॉर्मल कपड़ा डाल दिया तो वो उस कपड़ों को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए जीन्स के लिए अलग से एक बटन दे दिया, प्रोग्राम बना दिया है अलग से, जो हम अलग से सेपरेटली यूज कर सकते हैं। उसके बाद यह हुआ सॉफ्ट। अब जिस तरीके से ये हैवी क्लोथ्स के लिए है उसी तरीके से सॉफ्ट के लिए हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइट फ्लैश हो रही है। फ्लैश का मतलब, ये ऊपर देख रहे हैं आप, लाइट और फ्लैश लिखा है, तो फ्लैश का मतलब हो गया कि वो इस प्रोग्राम को दिखा रही है आपको। तो फ्लैश का मतलब हो गया सॉफ्ट, मिक्स नहीं है ये, मिक्स में लाइट स्टेबल रहेगा, रुका रहता है, आपको मैंने पहले दिखाया। तो सॉफ्ट के लिए आपने देखा लाइट ब्लिंक कर रही है, तो सॉफ्ट का मतलब हो गया वैसे कपड़े जो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, मींस जैसे छोटे बच्चों के कपड़े काफी नाजुक होते हैं, या लेडीज के सूट्स वगैरह भी काफी डेलिकेट टाइप में भी मिलते हैं, और साड़ी वगैरह भी डेलिकेट कैटेगरीज में आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट यूज करना है। इसमें आप विंटर्स के अंदर, सर्दियों में चाहे तो इसमें आप वूलन क्लोथ भी वॉश कर सकते हैं, वो भी सॉफ्ट कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वॉश होगा, रिंस होगा और स्पिन होगा, यानी कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो इसमें हमें सिर्फ प्रोग्राम को सेट करना चाहिए और उसके बाद स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्टार्ट बटन दबाने के बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम इसको, अभी सॉफ्ट पे हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हैवी पे आ गए। हैवी का मतलब ये भी उसी तरीके की कैटेगरी है जैसे स्ट्रांग के अंदर कैटेगरी थी, हैवी में भी वही चीज आ गई। आपका नॉर्मली बड़े साइज का चद्दर रहता है, जैसे डबल बेडशीट रहता है, या बड़े साइज के कर्टन्स रहते हैं जो और बड़े कपड़े हो गए, जैसे मैंने स्ट्रांग के लिए बताया था उसमें भी उसी कैटेगरी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काफी बड़े साइज के कर्टन्स और बेडशीट को भी हमें वॉश करना होता है, जो इसकी कैपेसिटी के अंदर आ जाने चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े ऐसा ना हो कि इस मशीन के जो टब के हिसाब से वो कपड़ा उसमें अंदर ही ना जा पाए। तो ये हैवी के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हैवी कैटेगरी में। तो यहां पर आप देखेंगे टाइमिंग भी बढ़ गया 85 मिनट्स, और यहाँ पे एक सोक भी ऐड हो गया। तो स्ट्रांग और हैवी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कैटेगरी वाइज उसको थोड़ा सा अलग किया गया, क्योंकि डबल बेडशीट भी हमारा स्ट्रांग कैटेगरी में आता है और हैवी भी होता है, कोई बेडशीट बहुत ज्यादा हैवी भी होता है। आपने भी देखे होंगे कि नॉर्मल बेडशीट आती है जो कॉटन की, वो थोड़ा हल्की रहती है, लेकिन अगर आप कुछ हैवी टाइप की वो देखेंगे बेडशीट तो वो भारी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाई है। अब उसके बाद हम अगेन प्रेस करेंगे इसको तो ये वापस नॉर्मल में आ जाएगा। तरीके से इसमें ये फंक्शन दिए हुए हैं, ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, और इस तरीके से ये मशीन जो है अपने प्रोग्राम को काम आगे जिस तरीके से हम लगाएंगे वैसे काम करेगी। तो ये जो इसका कंट्रोल बोर्ड है, इसका कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, जो उसमें ये फंक्शन है जो ऑटो प्रोग्रामिंग में है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी जो बटन दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल मैनुअली रहेगा, मतलब अगर अपने हिसाब से आप कपड़ा वो प्रोग्राम लगाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ 3 स्टेप आपको लेने होंगे। 3 स्टेप कैसे रहेंगे कि पहले मैंने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी प्रोग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और मैंने सीधा स्टार्ट प्रेस किया। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा ये मशीन का पल्सेटर मूव करना शुरू करेगा और ये मशीन जो है टाइमिंग जो है इसका सेट हो जाएगा। देखिए आप, ये पल्सेटर का आवाज आ रहा है। यहां पर अगर मैं डोर खोल देता हूं तो देखा होगा आपने ये भी बीच में लाइट जो है इसका जो एरर कोड आ गया E3, तो ये अगर आप बीच में लीड को खोलेंगे तो ये एरर कोड भी आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि अगर मशीन स्टार्ट हो गई है और आप इसका बीच में डोर खोल देंगे तो यहाँ पे मशीन जो है एरर देगी। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कस्टमर जब मशीन स्टार्ट कर रहा है तो डोर को नहीं खोलना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नॉर्मल फंक्शन में। अब ये देखिए मशीन जो है पल्सेटर मूव कर रहा है, पानी को सिलेक्ट करने के लिए वो कितना चाहिए। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मशीन के अंदर हमारा ये सेटिंग जो था हमने स्टार्ट किया था, तो ये लाइट जो है देखिए ब्लिंक कर रही है वॉशिंग पे। जब ये लाइट बंद हो जाएगी तो फिर ये रिंस पे आएगी, और रिंस कंप्लीट होगा तो फिर स्पिन पे आएगी, और स्पिन कंप्लीट होगा तो इसका साइकिल पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जो लाइट है और एक फ्लैश है, तो लाइट के लिए ये वाला रो है और फ्लैश के लिए ये वाला है। तो अभी देखिए लाइट जो है ना ब्लिंक कर रही है 2 पे, यानी कि फ्लैश नंबर 2। तो जो वाटर लेवल है वो 2 नंबर पे सिलेक्ट हुआ है,
और दो नंबर में कितने लीटर्स पानी स्टोर होगा, इस मतलब इसमें पानी आएगा, इनलेट होगा, वो बुकलेट में लिखा होगा। तो ये जो फंक्शन थे मैंने आपको बताया कंट्रोल पैनल के, जिसमें आपको सिर्फ 3 बटन प्रेस करके मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शन जो इसके अंदर दिए हुए हैं। जो टॉप लोड मशीन है हमारी मार्क्यू की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फंक्शन जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप मशीन को स्टार्ट।